हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का पहले भी फॉर्म एक आया हुआ था जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए था। अब इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फाइनली निकाल दिया है क्योंकि एनटीए का नेट का रिजल्ट लेट हो गया है, तो इसके कारण इन्होंने अब ये फाइनल इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर ही निकाल दिया है। पहले ये नेट के एग्ज़ाम के बेस पर निकाल रहे थे, जैसे कि आपको याद होगा पुराने नोटिफिकेशन के अंदर, और कुछ सब्जेक्ट के लिए ही मांगा गया था। अब इन्होंने फाइनली 22 पीएचडी प्रोग्राम के लिए मांगा है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पीएचडी के साथ में यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या बताई है कैटेगरी के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। इंग्लिश के अंदर टोटल 6 सीट हैं जो कि कैटेगरी के हिसाब से बांटी गई है, ऐसे ही सभी सीटें बांटी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगी तो वो ऑल इंडिया की काउंट रहेगी, तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी काउंट मानी जाएगी। तो इंग्लिश के अंदर टोटल 6 सीट हैं, तेलुगु के अंदर 19 सीट हैं, उर्दू के अंदर 3, अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर 8, हिस्ट्री के अंदर 8, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 10, सोशियोलॉजी के अंदर 20, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 9, एजुकेशन के अंदर 2, रीजनल स्टडीज़ के अंदर 5, इंडियन डियास्पोरा के अंदर 2, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर 4, जेंडर स्टडीज़ के अंदर 5, इकोनॉमिक्स के अंदर 28, डांस के अंदर 3, आर्ट हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज़ के अंदर 1, कम्युनिकेशन के अंदर 3, ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर 4, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ के अंदर 8, हेल्थ साइंस ऑप्टोमेट्री के अंदर 2, मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 16, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 4। दोस्तों इन 18 से लेकर 22 सब्जेक्ट तक ये स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये पुराने सब्जेक्ट थे, तो जिन्होंने इस सब्जेक्ट के अंदर पहले अप्लाई किया हुआ है तो वो इसके अंदर अप्लाई ना ही करें, क्योंकि वो बाद में उनको ये सेम ही नोटिफिकेशन है, तो अब ना ही अप्लाई करें क्योंकि इसके अंदर वही सब्जेक्ट काउंट हो रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो स्टार वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने जो पहले फॉर्म भरा हुआ है, जो कि फॉर्म 3/6/2024 को आया था 5 प्रोग्राम के, वो अप्लाई दोबारा से ना करें, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे डायरेक्ट लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन की लिंक भी देख पाएंगे और अप्लाई करने की लिंक भी देख पाएंगे। और दोस्तों ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर लिया जाएगा, मेन मेन सिटीज़ के अंदर, तो देख सकते हैं आप ये भुवनेश्वर के अंदर लिया जाएगा, कोची के अंदर, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता, तो जो मेन मेन सिटी है तो 7 सिटी के अंदर लिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो दोस्तों ये 1 अगस्त को फॉर्म आ गया था, और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 1 अगस्त से ही हो रहा है, लास्ट डेट इसकी 14 सितंबर रहेगी। और दोस्तों आप हॉल टिकट इसकी 10 अक्टूबर से डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 19 से 20 अक्टूबर को ही रहेगा, और जो सिलेक्टेड कंटेंट होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट जो होगी वो 8 नवंबर को आ जाएगी। इंटरव्यू आपका 18 से 21 नवंबर के बीच में रहेगा, तो इस डेट को नोट डाउन कर लीजिएगा आप एंट्रेंस डेट और इंटरव्यू डेट के लिए। जो कंटेंट सिलेक्टेड होंगे और वेटिंग लिस्ट के अंदर कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट 2 दिसंबर को आ जाएगी, और एडमिशन काउंसलिंग 10 से 11 दिसंबर रहेगी, और आपकी क्लासेस 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका पूरा शेड्यूल है, और दोस्तों इसकी फ़ीस की डिटेल वगैरह इनकी वेबसाइट पर दिखा देते हैं क्योंकि वो पुरानी ही फ़ीस ही रहेगी, तो हम आपको वो दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये पुराना नोटिफिकेशन है, पुराना नोटिफिकेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने फी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की थी, तो जनरल के लिए 600 रुपये फीस है, EWS के लिए 550 रुपये, OBC न॔न क्रिमिनल के लिए 400 रुपये, SC ST PWD PH कंटेंट के लिए 275 फीस है, तो ये आपको पे करनी है। और दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्मली वही रहती है, 55% आपके मास्टर डिग्री के अंदर होने चाहिए, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको एक पुराना नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं जो इनका पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद आ जाए। ये देखिए दोस्तों ये इनका पुराना नोटिफिकेशन था जो कि आया था जुलाई सेशन के लिए, तो ये 5 सब्जेक्ट जिनके अंदर स्टार लगे हुए थे वो सब्जेक्ट पहले इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए थे, तो ये आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने इसके अंदर आवेदन किया था वो इसके अंदर आवेदन ना करें, पहले ही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए था जो कि UGC नेट, UGC CSR, नेट गेट, ये जो भी था उनके लिए ही था। तो दोस्तों ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।